80% लोगों के पेट पर मोटापा है, उससे सभी छुटकारा चाहते हैं, उपाय बताएं। कल जितनी भी चर्चा हुई थी इसी बात पे हुई थी, आज फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं। हमारी कुछ गलतियां होती हैं। पहली गलती, बिना भूख के खाना। हम हवन करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, उसके ऊपर सामग्री डालते हैं, सुगंधी आती है, हवन करने का लाभ होता है। ठीक से अग्नि ही प्रज्वलित ना हो, कितनी ही बढ़िया सामग्री डालें, सुगंधी नहीं आने वाली, सामग्री सड़ेगी, लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक से भूख ही नहीं है, हम कितना ही अच्छा अच्छा खाएंगे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पहली गलती, बिना भूख के खाना। दूसरी गलती, ओवर ईटिंग, मात्रा में ज़्यादा खाना। इसको थोड़ा हम विस्तार से आज समझेंगे कि हमें कितना खाना चाहिए। हम सबकी भूख अलग अलग है, कार्यशैली अलग अलग है, उम्र अलग है, मनोबल अलग है। हर व्यक्तियों को एक ही मात्रा का भोजन नहीं बताया जा सकता कि इतनी इतनी कैलोरी सब खा लो। तो हम कितना खाएं, इसके लिए बताने वाला हमारे अंदर है। हमें कोई दूसरा सुझाव नहीं दे सकता कि हमें कितना खाना चाहिए। बताने वाला पैमाना हमारे अंदर है, इसीलिए हमारे आंदोलन में कहा जाता है, बी योर ओन डॉक्टर, अपने डॉक्टर आप बने। हमें कितना खाना चाहिए, इसको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कहानी जीवन भर हमें काम आएगी, हम कभी भी नहीं भूलेंगे हमें कितना खाना चाहिए। मान लीजिए अब हम सब खाली पेट बैठे हुए हैं और हमें भूख है। जैसे ही हम मुंह से चबा चबा के खाना शुरू करते हैं, हमारा पाचन तंत्र मुंह से ही काम करना शुरू कर देता है और हमारे पाचन तंत्र के अंदर भोजन चलते चलते हाजम होता है। भोजन को रुकने की एक जगह है हमारा आमाशय, स्टमक, मेदा, जिसके अंदर भोजन 5-6 घंटे के लिए रुकता है और हाजमे का काम चलता है। ये जो हमारा आमाशय है, मेदा है, स्टमक है, ये हमारे शरीर के अंदर एक बैलून, गुब्बारे की तरह थैली नुमा पड़ा हुआ है। जब इसके अंदर भोजन आ जाता है, ये फैल जाता है। जब इसमें से भोजन नीचे चला जाता है, ये सिकुड़ जाता है। मान लीजिए अब हम सब खाली पेट हैं और हमारा आमाशय अब सिकुड़ा हुआ है। सिकुड़े हुए की भी अवस्था में इसके अंदर कुछ शुद्ध वायु है। अब हम चबा चबा के भोजन ले रहे हैं, जैसे ही हमारा आमाशय आधा भर जाता है, तुरंत एक डकार मुंह में आती है, जिसको कहते हैं, तुरंत आधा भरने पर एक डकार आती है, जिसको क्या कहते हैं, तृप्ति डकार। क्या कहते हैं? तृप्ति डकार। आप मेरे साथ सारे बोलिए, क्या कहते हैं? तृप्ति डकार। इसका एक मतलब है, आप ध्यान से समझें। आधा भर गया, आधा भरने पर डकार आई, जिसका नाम है तृप्ति डकार। हमारा आमाशय कहता है कि अब मैं आधा भर गया, अब और मत खाओ। क्यों? मैं एक चौथाई, ये आधा तो भोजन से भर गया, एक चौथाई हिस्सा इसको भरने के लिए शरीर में से पाचक रस निकलेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस निकलेंगे, उससे भरेगा, और एक चौथाई हिस्सा इसमें खाली जगह छोड़ दीजिए ताकि इसके अंदर मंथन क्रिया हो सके। मटके को पूरा दही का भर लें तो ब्लो नहीं सकते,
मुंह को पूरा पानी का भर लें तो कुरला नहीं कर सकते। एक चौथाई हिस्सा खाली छोड़ दीजिए, लेकिन हम तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद नहीं करते। हमें लगता है अभी तो मैंने थोड़ा ही खाया है, इससे क्या बनेगा, हम और खाते हैं। जब और खाते हैं तो हमारा आमाशय पूरा भर जाता है। जब पूरा भर जाता है, जो थोड़ी बहुत वायु रह जाती है वो फिर हमारे मुंह में आती है, उसको हम कहते हैं पूरण डकार। क्या कहते हैं? पूरण डकार। पहले कौन सी आई थी? तृप्ति डकार। अब कौन सी आ गई? पूरण डकार। अब पूरण डकार आने पर अमाश्य कहता है कि अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन किया है। आज आपने रेड सिग्नल जंप किया है, तो आज आपको चलान कटाना पड़ेगा। कल दोबारा से ग्रीन सिग्नल होगा तो कल फिर सावधानी रख लेना, कल चलान नहीं कटने वाला है। तो आज हमने पूरण डकार आने तक खा लिया, फिर क्या होगा? उस भोजन को हजम करने के लिए जो पाचक रस, गैस्ट्रिक जूसेस, तेजाब निकलने थे, वो फिर भी निकलेंगे। वो शरीर का नियम है, वो ऊपर फूड पाइप में पड़े रहेंगे। फिर व्यक्ति कहेगा मेरे यहाँ जलन होती है, एसिडिटी है, मेरे तेजाब बनता है। तेजाब तो उसके भी बनता है जिसके जलन नहीं होती। उसका तेजाब नीचे पड़ा है जहाँ उसको रखने का प्रबंध है, और हमारा तेजाब गलत जगह पे पड़ा है। फिर क्या होगा? ये कहानी है और कहानी अभी अधूरी है। फिर हमने आमाशय रिपी डिब्बे में भोजन को बंद कर दिया, उसको तेजाब नहीं मिल रहा है गलने के लिए, उसको जगह नहीं मिल रही हिलने के लिए, उसके अंदर मैकेनिकल एक्शन नहीं हो पा रहा। कोई भी काम चलाने के लिए खाली जगह जरूरी है। फिर क्या होगा? भोजन अगर पैक हो जाए तो क्या बनता है? लंच बॉक्स में भोजन पैक करके भेज दिया गया, शाम को वापस आ गया, फिर उसको दोबारा से खाएंगे? क्यों? सड़ गया, सड़ गया। पैक होने के बाद भोजन सड़ जाता है। हमने अमाशय रूपी डिब्बे में भोजन को पैक कर दिया, ठसा ठस भर लिया, तो वो क्या होगा? सड़ेगा। भोजन सड़ेगा तो क्या बनेगा? गैस। कुछ गैस नीचे से पास होगी, उसका भी हम अनुभव करते हैं, और कुछ गैस ऊपर से निकलेगी। जो दो ही तो रास्ते हैं, जो ऊपर से निकलेगी, रास्ते में क्या पड़ा हुआ है? तेजाब, जो नीचे नहीं जा पाया। वो गैस और तेजाब मिलके हमारे मुंह में आते हैं, उसको हम कहेंगे खट्टे डकार। खाए गुलाब जामुन, आने चाहिए मीठे डकार, आ रहे हैं खट्टे डकार। क्यों? ऐ मानव, तो सोच, सोच और फिर सोच, तेरे रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद ना करना, और व्यक्ति रोग का इलाज चाहता है। इलाज क्या चाहता है? मेरे को कोई चूरन दे दो, कोई लक्कड़ तोड़ पत्थर तोड़ चूरन दे दो, कोई हाजमे की गोली दे दो, कोई एंटासिड की गोली दे दो। व्यक्ति चाहता है मैं जो खाना चाहता हूँ खा जाऊँ, जितना खाना चाहता हूँ उतना खा जाऊँ, कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिल जाए कि सब कुछ हाजम हो जाए, पैसे लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान ने पैसे दे रखे हैं बहुत। भगवान ने पैसे बीमार होने के लिए नहीं दिए, भगवान ने पैसे डॉक्टरों को फीस देने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए नहीं दिए। तो हम सब आसान रास्ता ढूंढते हैं। आसान रास्ता ढूंढने से मिलता क्या है? मंजिल ही नहीं मिलती। ऐसे आसान रास्ते से चलने का फायदा क्या, जो कहीं पहुंचे ही ना। आसान रास्ता हम ढूंढते हैं। मेरे गुरुदेव जी ने इस आंदोलन को इसीलिए निःशुल्क रखा, यहाँ कोई चूरन, हर्बल टॉनिक या किसी भी किस्म की मशीन
या किसी भी किस्म का टॉनिक नहीं बेचा जाता, कोई ताकत की दवाई नहीं दी जाती। कारण क्या है? हम तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद नहीं करते। वर्ल्ड के अंदर 80% लोग गैस और तेजाब से पीड़ित हैं। कहीं भी इन डकारों का वर्णन नहीं किया जाता। अगर व्यक्ति तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद कर दे तो जिंदगी में कभी गैस और तेजाब नहीं बनने वाला। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जितने मर्जी टोटकेबाजी कर लीजिए, गैस और तेजाब ठीक होने वाला नहीं है। तीन किस्म की डकारों का मैं वर्णन कर चुका हूँ, एक चौथी किस्म की डकार भी होती है। जब हम भोजन कर लेते हैं, जब भोजन किए हुए 5-6 घंटे हो जाते हैं, तुरंत आमाशय में को खाली होना पड़ता है, वो भोजन हाजम हो या ना हो, जो हाजमे का काम बच गया वो नीचे छोटी आंत में बाइल के द्वारा, पित्तरस के द्वारा होगा। जैसे ही 6 घंटे बाद आमाशय खाली होता है, तुरंत एक डकार आती है, तुरंत आमाशय सुकड़ता है, सुकड़ते ही एक डकार आती है, उसका नाम है भूख डकार। उसका क्या नाम है? भूख डकार। ये भूख डकार की एक पहचान है, इस डकार का कोई स्वाद नहीं होता, खट्टे डकारों का स्वाद होता है, इस डकार की कोई गंध नहीं होती। और ये डकार जब आती है तो शरीर के अंदर एक खास किस्म के हल्केपन का अनुभव होता है। ये हल्केपन का अनुभव किसको होगा? जिसको ये डकार आएगी। जिसको डकार ही नहीं आएगी उसको क्या पता ये डकार का आनंद क्या होता है। और अभी अगर मैं पूछूंगा या घर जाके देखेंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं आती। तो अब 6 घंटे बाद हमें भूख डकार आई, इसका मतलब ये नहीं कि अब भूख लगी है और खा लो। इसका मतलब है, आमाशय हमें कहता है कि आपने मेरे को जो काम दिया था मैंने अभी अभी पूरा किया है, अब मेरे को घंटे 2 घंटे का आराम दे दीजिए, फिर आप जो भी मेरे को खाने को दोगे मैं खुशी से हाजम करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक दफ़ा हम अनाज खा लें तो, एक दफ़ा अनाज खा लें तो 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना। इसीलिए हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा जाता है, जो दिन में एक दफ़ा खाएगा वो योगी, जो 2 दफ़ा खाएगा वो भोगी, और जो 3 दफ़ा खाएगा वो रोगी। क्या खाएगा? अनाज। किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में हम 2 वक्त से ज़्यादा रोटी नहीं मांगते। तो किसी भी तंदुरुस्त व्यक्ति को दिन में 2 दफ़ा से ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो गलत तरह बिना भूख के नहीं खाना, मात्रा में ज़्यादा नहीं खाना। आज मैंने 4 तरह की डकारों का वर्णन किया है। 2 तरह की डकारें हर तंदुरुस्त व्यक्ति को आनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? तृप्ति और भूख डकार। 2 किस्म की डकारें किसी को नहीं आनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? पूरन डकार और खट्टे डकार। तो आप में से कोई ऐसे हैं जिनको तृप्ति डकार ही ना आती हो, या कभी तजर्बा करके नहीं देखा? पहले देखोगे फिर बताओगे। छोड़ो, टॉपिक को छोड़ दीजिए। दूसरा, कोई ऐसा है जिसको भूख डकार ही ना आती हो, ये भी मालूम नहीं, पहली दफ़ा सुना है? पहली दफ़ा सुना है, ठीक है। अब ये होमवर्क हो गया, घर जाएंगे खाना तो खाएंगे, तो आप देखेंगे कि अगर आपको तृप्ति डकार और भूख डकार आ रही है, इसका मतलब आप ठीक मात्रा में खा रहे हैं, आपका काफ़ी तरीका सही है। अगर ये दोनों डकारें नहीं आ रही हैं, पूरन डकार और खट्टे डकार आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम मात्रा में ज़्यादा खा रहे हैं और खाने पीने का तरीका हमारा गलत है।